आर्यन आपका टिफिन। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ है कि नहीं, बाहर जाते हुए को पीछे से नहीं टोका जाता है। वो आपने खाना नहीं खाया था ना, तो मैंने आपके लिए खाना बनाया था, वही सोची कि आपको टिफिन दे दो। तुम्हें तो मैं आज शाम को देखता हूँ। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है आप आ गए। मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। मैं थक हार के बाहर से इतनी मेहनत करके आता हूँ, ये चीजें कौन लेगा? हाँ, वो मैं आपके लिए पानी लेने गई थी। जबान लड़ाती है। सुनिए, क्या है? क्या आप हमेशा डॉक्टर के पास चल सकते हो? क्यों? वो डॉक्टर ने कहा था अगली बार आओ तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना। अब तुम अगर डॉक्टर के पास गई ना, तो उससे कहना कि तुम्हारा पति मर गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नजरों के सामने मैं आता नहीं, तुम्हारे मगर रहते हो हर पल। सुनो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को थोड़ी देर से आऊंगा। खाना आप घर पे खाओगे कि बाहर? मैं खाना घर पर ही आकर खाऊंगा, बना कर रखना। खुशहाल है ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तुम अभी तक जग रही हो और इतना सजदस कर मेरा इंतजार कर रही हो? वो आपने कहा था ना कि आप घर पे ही खाना खाओगे, तो मैं वही इंतजार कर रही थी। तू उल्टा जवाब दे रही है। नहीं नहीं। हाँ मुझे ना ये डर बहुत पसंद। सुनो, पानी लाकर दे रहा हूँ। दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो। हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है नहीं, अब तो दिन पे दिन और हालत खराब होते जा रहे। अब तो आर्यन दिन रात शराब पीते हैं।
और तो और वो मुझका हाथ भी उठाते हैं। पता नहीं अब ये कैसे ठीक होगा। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत। तुमने जो कुछ भी बोला है ना उसे याद रखना। दीवाने का क्या हाल है, लोगों के साथ में पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती है, फोन पे बात करती है और कहती है कि मैं दारू पीता हूँ, तेरे पैसे की पीता हूँ क्या? हाँ, और कहती है कि मैं हाथ उठाता हूँ। आज मैं तुझे बताऊंगा कि हाथ कैसे उठाया जाता है। तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये आर्यन तुम मेरा ख्याल तो रखोगे ना? अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा ख्याल तो रखूंगा ही ना। शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रिश्ते को निभाना बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सी अनबन, बहुत से झगड़े होते हैं, उसे कैसे संभालना है वो बड़ी बात है। हम साथ मिलकर निभाएंगे और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो आज घर जाकर माही से माफ़ी मांग लूँगा और उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो तुम? मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी। अच्छा, मेरा खाना मत बनाना, मैं खाकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर अपने लिए बना लेती हूँ। एक काम करो, तुम तुम्हारे लिए भी मत बनाना, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां माही फिलहाल है। माही, ओ खैरियत माही, कभी तो माही कहाँ हो तुम? मैंने तो सोचा था आज मैं इसे सॉरी कह के सारी चीजें भुला दूंगा और मैं इस पे कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगा।
पर इसने आज मुझसे बिना पूछे घर से बाहर कदम निकाल दिया। अब ये जाती है तो जाए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्यन, आज तुमने बिना पूछे घर से बाहर कदम निकाल दिया। मैंने तो सोचा था घर आकर माफी मांगूंगा और तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं, मैं वो तुम्हें फोन कर रही थी और तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने बाहर चली गई। अरे हाँ यार, मेरा फोन तो डेड हो गया है, मुझे माफ करना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और आइंदा मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और जिस वादे से मैं तुम्हें घर लाया था वो वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं,